हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द सब फाइलम थर्ड दैट इज सिफेलो कॉर्डेटा सो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने यूरोडेटा की क्लासिफिकेशन पढ़े थे और हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो प्री प्रोटोकॉर्डेटाज जो होते हैं उनके थ्री सब फाइलम है जिसमें फर्स्ट था हेमिकॉर्डेटा जिसके हमने क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों पढ़ा देन उनके भी हमने दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था एंड थर्ड इज सिफेलो जो हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे ओके इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन सो फर्स्ट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सो मैराइन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शेलो वाटर सो so, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिफेलो कॉर्डेटा में वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो भी शेलो वाटर में रहते हैं ज्यादा डेप्थ में नहीं रहते टू टू थ्री मीटर डिस्टेंस में ही डेप्थ में ही ये सर्वाइव करते हैं रहते हैं ओके देन बॉडी स्मॉल फाइव टू एट सेंटीमीटर लॉन्ग स्लैंड फिश लाइक मेटामेरिकन ट्रांसपेरेंट अब इनकी जो बॉडी होती है वो स्मॉल होती है एंड ट्रांसपेरेंट होती है इजिली आर पार देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट फाइव टू एट सेंटीमीटर लॉन्ग ही होती है इनकी बॉडी स्लेंडर होती है इट इटमीन्स थिन होती है फिश लाइक थिन फिश लाइक इनकी बॉडी होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इनमें आपने इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा मेटामैरिक अलग अलग सेगमेंटेशन होते हैं एंड ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है देन हेड लेकिंग सो आपने पहले हैमी हेमिकॉर्डेटाज में मैंने बताया था कि जो इनकी जो बॉडी होती है कॉर्डेटा के ऑर्गेनिजम्स की उनके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है इनकी बॉडी हेड ट्रंक एंड टेल ये थ्री थ्री पार्ट्स होते हैं जिसमें सिफेलो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें हेड प्रेजेंट नहीं होता इनके बॉडी में ओनली ट्रंक ट्रंक एंड टेल ये दो ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं देन एंड एक्सोस्केलेटन एबसेंट एपिडोमिस सिंगल लेयर्ड सो टू टाइप्स के स्केलेटन होते हैं एक एंडोस्केलेटन एक एक्सोस्केलेटन जैसे कि एंडोस्केलेटन में हमारा पूरा ह्यूमन स्केलेटन आता है मैमल्स है जितने भी एनिमल्स है उनके जो अंदर का जो स्केलेटन होता है उसे हम क्या कहते हैं एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन क्या होता है जो फिशेस के फिन्स में जो स्केलेटन होता है लाइक विंग्स ऑफ द बर्ड्स सो वो सब एक्सोस्केलेटन के एग्जाम्पल्स हैं तो इनमें जो एक्सोस्केलेटन होते हैं वो एबसेंट होते हैं एंड सिंगल एपिडर्मिस की ही लेयर होती है उनकी बॉडी पे देन सिलोम एंटेल सो so, सिलोम जो होते हैं वो थ्री फोर टाइप्स के होते हैं आपने पढ़े होंगे स्किजोसिलोम्स, एंटरोसिलोम देन हीमोसिलोम तो इनमें जो एंटरोसिलस सिलोम प्रेजेंट होता है रिड्यूस्ड इन फेरेंजियल रीजन अब इनका जो फेरेंजियल रीजन है इट मींस जो फेरिंग्स है वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है क्यों रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है बाय डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल कैविटी तो सो हमने पढ़ा है जो जितने भी इनकी एट्रियल कैविटी ज्यादा डेवलप्ड होती है जितने भी प्रोटोकॉडेट है मोस्टली सो so, इनकी एट्रियल कैविटी के डेवलपमेंट की वजह से जो फेरिजियल रीजन जो होता है इनके बॉडी का वो फेरिंग्स पार्ट कैसा होता है रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है नेक्स्ट इज लाइक लाइक रॉड पर्सिस्टेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल हेंस द नेम सिफेलोकॉडेटा अब इनके जो बॉडी में नोटोकॉड प्रेजेंट होता है और ये एडल्ट को दे तब तक इनमें ऑटोकाट प्रेजेंट होती है एंड देन पर्सिस्टेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम रोस्ट्रम अ फ्रेंड्स रोस्ट्रम क्या होता है सो रोस्ट्रम लाइक जो बर्ड है कोई भी तो बर्ड का जो रोस्ट्रम पार्ट क्या होगा जो उसके बिक है जो उसकी चोंच जो होती है बर्ड्स का जो माउथ होता है माउथ uh, नहीं बिक कहते हैं बिक से टेल तक का उनका जो पूरा बॉडी पार्ट है उसे रोस्ट्रम कहते हैं सो so इनका रोस्ट्रम क्या होता है जो इनके जो एट्रियल कैविटी है उसके जो ऊपर जो फेरेंशियल रीजन के ऊपर का जो उनका जो पूरा पार्ट है उनके जो फेस जो हेड तो नहीं है इनमें सो so जो ट्रंक का जो सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट होगा उसे क्या कहते हैं रोस्ट्रम कहते हैं तो वहां से टेल तक इनके नोटोकॉट प्रेजेंट होती है देन हैंस द नेम सिफेलो और इसलिए इनका नाम सिफेलो पड़ा है कॉर्डिट क्योंकि सुनिए फेरिंग्स में मीन्स क्या होगा उनका जो पार्ट है फेरिंग्स जो uh, होता है दैट uh, इज जो कैविटी में आता है फेरिंग्स तो फेरिंग्स तो लार्ज है बट उनका जो रीजन है उसका जो एरिया है वो कम है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि उस फेरिंग्स में परफोरेटेड बहुत सारे न्यूमरस गिल्सिट

स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है ओके देन नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड क्लोज एंड विदाउट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हिपैटिक पॉडल सिस्टम डेवलप्ड सो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है क्लोज एंड विदाउट हार्ट क्लोज सिस्टम होता है बट हार्ट प्रेजेंट नहीं होता है इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं डेवलप्ड होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम आपको पता होगा जो ब्लड है वो सीधे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर में जाता है पूरा एक सिस्टम तैयार है जो पूरा सर्कुलेशन पूरी बॉडी में वेल डेवलप्ड सर्कुलेटेड पूरी बॉडी होती है सर्कुलेशन प्रॉपर ढंग से होता है देन एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनफ्रीडिया विथ सो जैसे कि आपने फ्लेम सेल्स वर्ड सुना है फ्लेम सेल्स जो वॉर्म्स uh, में प्रेजेंट होते हैं सो सेम सोलिनोसाइड्स भी एक तरह के सेल्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं एंड प्रोटोनफ्रीडिया ये एक तरह की ट्यूब्स होती हैं और जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं सो प्रोटोन और सोलिनोसाइड मिलकर के एक्सक्रीशन करते हैं सिफेलो कॉर्डेट्स में ओके ना सेक्स सेपरेट अब इनमें बाई नहीं होते हैं ये कैसे होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं सेक्स सेपरेट होते हैं दोनों के और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनमें एबसेंट होता है देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन सी वाटर और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सी वाटर में सराउंडिंग्स में जो दोनों मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होंगे वो फर्टिलाइज होते हैं ओके सो फ्रेंड्स ये थे जो ट्वेल्व पॉइंट हमने मेन मेन पॉइंट्स पढ़े मेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स देखे सिफेलो कॉर्डिट्स के अब इसका क्लासिफिकेशन भी बहुत स्मॉल है और सबसे ईजी है क्योंकि टोटल सिफेलो कॉर्डेट्स इस पूरे वर्ल्ड में अर्थ पे थर्टी फाइव ही स्पीशीज है ऑनली सिफेलो कॉर्डेट्स की अब जो फाइल सब फाइलम सबसे पहले तो फाइलम कौन सा पढ़ रहे हम कॉर्डेटा जिसमें सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा कॉर्डेटा Then, में सिर्फ सिंगल क्लास एक ही क्लास प्रेजेंट है और वो है लेप्टोकार्डाई लेप्टोकार्डाई में भी सिर्फ सिंगल एक ही एक ही फैमिली प्रेजेंट है दो जेनेरा प्रेजेंट या जीनस प्रेजेंटे जो है ब्रेंक्योस्ट्रोमा एंड असीमेट्रॉन अब असीमेट्रोन और ब्रैंक्योस्ट्रोमा सेम ही है इन स्पीशीज में केवल एक ही दो ही डिफरेंस है और वो क्या है असीमेट्रॉन डिफर्स फ्रॉम ब्रैंक्योस्ट्रोमा इन हैविंग अनपेयड गॉनेट ऑन द राइट side of body and asymmetrical metapleural folds अब ब्रैंक्योस्ट्रोमा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है सो so, ब्रैंक्योस्ट्रोमा में जो गॉनेट्स होते हैं वो दोनों साइड में, में होते हैं उनकी बॉडी के दोनों साइड्स में होते हैं बट असीमेट्रॉन में जो गॉनेट होते हैं वो ओनली राइट साइड में ही प्रेजेंट होते हैं और उसमें सिमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड्स होते हैं और इसमें असीमेट्रिकल मेटाप्लूरल फोल्ड होते हैं एंड मेटाप्लूरल फोल्ड मीन्स जो एट्रियल कैविटी में उसकी वॉल पे जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं उसे मेटाप्लूरल फोल्ड्स कहते हैं सो फ्रेंड्स ये बहुत स्मॉल टॉपिक था जिसमें हमने सिफेलोकॉर्डेट की जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन पढ़ा सो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके जो प्रोटोकॉर्डेट थे उसके तीनों ही सब फाइलम्स फिनिश हो गए अब फोर्थ जो नेक्स्ट आता है वो है वर्टिब्रेटा बट वो प्रोटोकॉर्डेट का सब फाइलम नहीं है वो सब फाइलम फोर्थ किसका है दैट इज ऑफ यू कॉर्डेटा ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया है ना जो uh, कॉर्डेटा है उसको प्रोटोकॉर्डेटा एंड यू कॉडेटा सो प्रोटोकॉर्डेटा के तो ये थ्री सफाइलम्स थे एंड जो यू कॉडेटा है उसका फोर्थ सफाइलम है वर्डीब्रेटा जो हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ माई चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट दीडियोज एंड सब्सक्राइब दैनल सो देट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन यू आई अपलोड न्यू वीडियो थैंक यू फ्रेंड्स बाय